भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, राहुल गांधी। और कश्मीर में कहाँ से आज आप टैक्स लगाने जा रहे हैं? प्रॉपर्टी टैक्स कहाँ से लाएगा बंदा प्रॉपर्टी टैक्स? ये एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है पिछले इतने दहाइयों से, आप अपना कॉन्फ्लिक्ट ठीक कीजिए, यहाँ के लोग पिस रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कश्मीर, आप देख रहे हैं कश्मीर राजस्थान न्यूज़ नेटवर्क और मैं आपकी मेज़बान आसफा बशीर। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मौजूद है हम पांथा चौक में, जहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा आज स्टार्ट होने जा रही है। इससे पहले कश्मीर कुछ टाइम पहले वारिद हो गए थे राहुल गांधी जी, और कश्मीरियों से भी उन्होंने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन भीड़ की वजह से नहीं की। बीच में ऐसा कुछ हुआ था, सिक्योरिटी के कुछ इंतजाम उनको कुछ सही नहीं लगे थे, इस वजह से उनको वापस जाना पड़ा, और सिक्योरिटी ने उनको बोला था कि यहाँ पे स्टॉप करने को, खाली राहुल जी को, बाकी जो लोग थे, बाकी जो यात्रा थी वो वैसे ही चल रही थी जैसे वहाँ से आई थी चलने के लिए। यहाँ पे हम पांथा चौक में हैं, आपसे मुखातिब हैं, कांग्रेस का तिरंगा हाथ में है, मतलब कि कांग्रेस वजूद में आ चुकी है आज। और जैसा कि आपको पता ही है 2014 से कांग्रेस का वजूद जैसे ख़त्म होने को लग रहा था, लेकिन अभी फिर से सुर्खियों में आ रहा है कांग्रेस। हर जगह पे अगर देखेंगे झंडे कांग्रेस के ही लगे हुए हैं, कड़े इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी के साइड से रस्सियां लगी हुई है, दो साइड से रस्सियां है, बीच में भारत जोड़ो यात्रा चलने वाली है और फिलहाल तो अभी शुरू नहीं हुई है, 10 बज चुके हैं तो फिलहाल यात्रा शुरू नहीं हुई है। लोग आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत जमा हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त इंतज़ार हो रहा है राहुल गांधी जी का। जैसे ही राहुल गांधी जी यहाँ पे आएंगे, ये जो यात्रा है ये स्टार्ट हो जाएगी और पहुँच जाएगी सनवार। सनवार में कुछ टाइम के लिए ब्रेक ली जाएगी, सनवार के बाद फिर से यात्रा शुरू की जाएगी और फ्लैग को होस्ट करना है। महात्मा गांधी ने जो किरण 1947 में देखी थी और कश्मीर के लोगों ने जो उस वक्त रोल अदा किया, उन्होंने मारदाड़ को तस्लीम नहीं किया, उन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स को खराबाद किया उस वक्त जब पूरा मुल्क जल रहा था, यहीं पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम और दायम था और आज भी वो कायम और दायम है। और जो ये मैसेज कन्याकुमारी से निकली है, आज कश्मीर पहुंची है और यहाँ से एक किरण पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी और कम्युनल पॉलिटिक्स और हेट्रेड की पॉलिटिक्स को अब खराबाद कर दिया। कुछ पार्टीज कह रही है ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, माफ़ी मांगो यात्रा होनी चाहिए, क्योंकि ये खानदान जोड़ो यात्रा है। खानदान तो जुड़े हैं, पूरा मुल्क के खानदान है, सही है, ये खानदान तो जुड़ा है। अब जो वो कह रहे हैं कि माफ़ी मांगिए, तो क्या लाखों और करोड़ों लोग उनसे माफ़ी मांगेंगे, इन बगड़ों से माफ़ी मांगेंगे? बगड़ों से क्या मतलब है आपका? उनको माफ़ी मांगनी चाहिए बीजेपी से, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे मुल्क से, कि उनने जो पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड, जो तोड़ फोड़, कम्युनल पॉलिटिक्स, हिंदू और मुसलमान को लड़वाना, ये उनकी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। आर्टिकल 370 और 35 पे नो कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बाशिंदा। आज पूरे तीनों खित्ते कह रहे हैं कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है जम्मू कश्मीर को, इसको बहाल किया जाए। जो नहीं जुड़े हैं वो साबित ये हुआ कि वो कम्युनल पॉलिटिक्स के सपोर्टर हैं या बी टीम है या अंदर से कोई अरेंजमेंट है, और क्या है। वही लोग नहीं जुड़ेंगे जो इस सोच के साथ नहीं होंगे, जो इतिहाद और सेक्युलर पॉलिटिक्स के हक में नहीं होंगे, वही नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि उनके आका जो है कहीं बैठे हुए हैं तो उनको उनको उनकी मेहरबानियां चाहिए, लिहाजा वो कहाँ से जुड़ेंगे, इस थोड़ा पीछे पीछे चलेंगे। गरीबों से उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, गलत। मैं तो इतना कहूँगा आपको, जो कार्रवाई यहाँ पर हो रही है, जिनका जिसने गलत किया हो, अपनी पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल किया हो, वो ठीक, मगर क्या ये कार्रवाई आप दिल्ली में करेंगे? क्योंकि दिल्ली की भी मैक्सिमम जहाँ पर, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज हैं जहाँ पे लाखों लोग रहते हैं, वो अनऑथराइज्ड हैं, उनको आप उनको रेगुलर कर रहे हैं। यही बात महाराष्ट्र में है, यही बात मुल्क के बहुत ही एरियाज में है, क्या वहाँ पर आप जाते हैं बुलडोज़र लेके? और मैं एक बात बताऊं आपकी चैनल के माध्यम से, आज जो लोग आज ये कर रहे हैं, वो जिनकी भी ये प्रॉपर्टीज़ गिरा रहे हैं, उन्होंने भी किसी से परमिशन लिया है, तो सिर्फ आप इसको ही पकड़ सकते हैं, आपको उनको भी पकड़ना होगा, उन ऑफिसरान को भी पकड़ना होगा जिन्होंने ये सिग्नेचर किए हैं। और आज जो लोग ये गिरा रहे हैं, इस तरह से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उन पर हमारी कड़ी नज़र है, उनको भी हम पकड़ेंगे।
वक्त आएगा उनको भी पकड़ा जाएगा। और यहाँ ये वेलफेयर स्टेट है, सरकार का काम है रोटी कपड़ा और मकान। हाँ, जिसने गलत किया है, अगर एक कनाल आपकी ज़मीन है और आपने उसके साथ 100 कनाल जोड़ दिए हैं, यस उसको पकड़िए। मगर आप यहाँ पर चारों तरफ से बुलडोजर चलाएंगे, दैट्स नॉट अलाउड, दैट विल नॉट बी अलाउड। कर रहे हैं आप जिंदगी जिंदगी जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे सारा कुछ छीना जा रहा है। बिल्कुल छीना जा रहा है, यही तो बात है, इसी को तो रिवर्स करना है। और कश्मीर में कहाँ से आज आप टैक्स लगाने जा रहे हैं? प्रॉपर्टी टैक्स कहाँ से लाएगा बंदा प्रॉपर्टी टैक्स? ये एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है पिछले इतने दहाइयों से, आप अपना कॉन्फ्लिक्ट ठीक कीजिए। यहाँ के लोग पिस रहे हैं, वो आपको इनकम टैक्स भी देगा, सेल्स टैक्स भी देगा, वैट भी देगा, और अब आप उसको जिसके पास बिजनेस नहीं है, ये तो कुछ टाइम से थोड़ा यहाँ टूरिज्म चल गया है, नहीं तो पिछले 30-40 साल से क्या है यहाँ? कुछ भी नहीं, बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं आज, 35 लाख हमारे बच्चे और बच्चियाँ अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, क्या करेगा उस पर कोई? सो उस चीज़ को देखना है आपको। मुजफ्फर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थी अवामी पार्टी, मुजफ्फर शाह साहब थे जिन्होंने अपनी राय यहाँ पे रखी। आप देख रहे हैं कौशर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क, दिखाते रहिए कि आपको विजुअल्स पांता चौक में, जुड़े रहिएगा। ये छोटी बच्ची भारत जोड़ो यात्रा के लिए आई है, यात्रा करनी है आपको? कहाँ पर करनी है यात्रा? किसके साथ आए हो? किसके साथ आए हो? पापा के साथ। यहाँ पर क्या करना है? गांधी के साथ फोटो उठानी। राहुल गांधी जी के साथ फोटो उठानी है। आप उनको जानते हो? हाँ जानते हो। कौन है? लीडर है। लीडर है। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? फरनोज जहरा। किस क्लास में पढ़ते हो? भूल गए, एलकेजी में ही पढ़ती है? एलकेजी में। किन की जमीन है? कश्मीरी की। काश चराई स्टेट लैंड और राशनी एक्ट, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। सारी लिया। हाँ बिल्कुल, सारा लिया। सारा लिया। क्या कहना चाहेंगे राहुल जी से? बस उसका वेलकम करेंगे यहाँ से आने, सारी लोग हैं यहाँ की, वेलकम उसके, सारी फैन हैं उनकी, उन्हीं से मिलने आई सारी यहाँ कश्मीरी। उम्मीद है कुछ? उम्मीद है बिल्कुल उन्हीं से, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। क्या लगता है कांग्रेस वजूद में आएगा? वजूद में आएगा, पक्का प्रॉमिस। कश्मीर में वजूद में आएगा? कश्मीर में, सारे जगह बाहर भी। कश्मीरी का कहना है कि कांग्रेस अब वजूद में आने वाली है, तो देखते हैं हम भी। मेरी है जी। कहाँ से आए हैं? जमशेदनगर से। यहाँ से? हाँ जी। किस लिए आए हैं? हम ANC की तरफ से आए हैं वेलकम करने के लिए राहुल जी को। जो अपना हक है वो दफा 307 वो भी ले आया है, वो 5 वो भी ले आया है, इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करते हैं। फैक्ट्री आबाद ये फकत हिंदू मुस्लिम बस यमे BJP वालों बे कुछ ये तम करना 307 तो फुटो अच्छे दिन 307 वापस 35 वापस राजा इफ्तिखार। भारत जोड़ने के लिए हम इस वक्त मुजफ्फर साहब की क़यादत पे यहाँ आए हैं। हम नफ़रत के बीज को जो पनप रहा है उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ जमा हो गए हैं। इंशाल्लाह इस नफ़रत को हम ख़त्म करके रहेंगे। कम्युनल पॉलिटिक्स को हमने हमेशा नकारा है और नकारेंगे भी, और इसके लिए हम सीना सिफर हो जाएंगे। Yeah.